सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 9 पढ़ाएंगे। पाठ 9 है योजक शब्द। आइए शुरू करते हैं। देखिए, योजक शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द योजक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों को, वाक्यांशों को और दो वाक्यों को जिन शब्दों से जोड़ा जाता है उन्हें योजक शब्द कहते हैं। कौन कौन से होते हैं योजक शब्द? उदाहरण, और, या, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसीलिए, ताकि, अथवा, एवं आदि, ये सब योजक शब्द हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। पहला वाक्य है, तेज चलो ताकि बस पकड़ सको। यहाँ पर दो वाक्य हैं, कौन कौन से? तेज चलो, बस पकड़ सको। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ताकि शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य, राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं राम और लक्ष्मण, इन दोनों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोग अपनी बुक निकालिए और खोलिए पाठ 9 योजक शब्द। पाठ 9 योजक शब्द। योजक शब्दों को इंग्लिश में कंजंक्शन भी कहते हैं। देखिए बच्चों, इंदु और राधिका सहेलियां हैं। रेडियो सुन लो या टीवी देख लो। सैनिक सतर्क थे इसलिए शत्रु भाग गए। छाता ले लिया है ताकि भीग ना जाऊं। काव्या ने बहुत मेहनत की परंतु फिर भी सफल ना हो सकी। बच्चों, जो ये वाक्य मैंने अभी पढ़कर सुनाया आपको, इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे और, या, इसलिए, ताकि, परंतु। इंदु और राधिका, यहाँ पर इंदु एक शब्द है और राधिका एक शब्द है। इन दोनों शब्दों को और शब्द के माध्यम से जोड़ा गया है। इंदु और राधिका सहेलियां हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, रेडियो सुन लो या टीवी देख लो। बच्चों, यहाँ पर दो वाक्य हैं, रेडियो सुन लो और टीवी देख लो, ये दो वाक्य हैं। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को या शब्द से जोड़ा गया है। सैनिक सतर्क थे इसलिए शत्रु भाग गए, यहाँ पर भी दो वाक्य हैं। सैनिक सतर्क थे एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है शत्रु भाग गए। इन दोनों वाक्यों को इसलिए शब्द से जोड़ा गया है। छाता ले लिया है ताकि भीग ना जाऊं, यहाँ पर भी दो वाक्य हैं। छाता ले लिया है और भीग ना जाऊं, इन दोनों वाक्यों को ताकि शब्द से जोड़ा गया है। काव्या ने बहुत मेहनत की परंतु फिर भी सफल ना हो सकी, यहाँ पर भी काव्या ने बहुत मेहनत की एक वाक्य है और दूसरा वाक्य क्या है? फिर भी सफल ना हो सकी। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए परंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। आप देख रहे हैं इन वाक्यों में और, या, इसलिए, ताकि, परंतु शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है बच्चों? यहाँ पर दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? योजक शब्द। ये जो जोड़ने वाले शब्द हैं, ये सब क्या है बच्चों? योजक शब्द हैं। बताइए अच्छा बच्चों, योजक शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों
को मिलाने वाले शब्द योजक शब्द कहलाते हैं। योजक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द योजक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, और उदाहरण देखिए, और, या, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, ताकि, अथवा, एवं, आदि, ये शब्द योजक शब्द हैं। अब कुछ और उदाहरण देखिए, स्वेटर नहीं मिला किंतु शॉल मिल गई। यहां पर दो वाक्य हैं, स्वेटर नहीं मिला और दूसरा वाक्य है शॉल मिल गई। इनको किंतु शब्द से जोड़ा गया है, इन दोनों वाक्यों को किंतु शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए ये यहाँ पर योजक शब्द है। हवा चल रही थी एवं पत्ते हिल रहे थे। यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, इन दोनों वाक्यों को एवं शब्द से जोड़ दिया गया है। ये दोनों शब्द भी योजक शब्द हैं। अब आप अपनी बुक में देखिए बच्चों, यहां पर एक पार्क या बगीचे का चित्र बना हुआ है। यहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और इनके लिए क्या लिखा गया है? राम, श्याम, महेश खेल रहे हैं और गीता बैठी है। यहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं जिनके नाम क्या क्या हैं? राम, श्याम, महेश खेल रहे हैं और गीता बैठी है। दो वाक्यों को और शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया है। छाता ले लो क्योंकि वर्षा हो रही है। यहां पर बच्चों देखिए, बरसात हो रही है और बच्चा छाता लेकर जा रहा है। बारिश में आप सबको भीगना बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों, तो छाता लेकर आप बाहर घूमते होंगे पानी बरसते समय। देखिए, छाता ले लो, छाता क्यों ले लो बच्चों? क्योंकि वर्षा हो रही है, नहीं तो भीग जाएंगे। यहां पर क्योंकि शब्द का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया है। अपनी बातों और विचारों को ठीक ठीक समझाने के लिए हम एक से अधिक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों एवं वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं जोड़ने वाले शब्दों को योजक शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें योजक शब्द कहते हैं। आप आगे देखिए, उदाहरण दिया हुआ है, सरिता, कौमुदी और सारिका सहेलियां हैं। इस वाक्य में सरिता, कौमुदी को और शब्द से सारिका से जोड़ दिया गया है। तीनों सहेलियां हैं, सरिता, कौमुदी और सारिका, जोड़ने के लिए यहां पर और शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में सरिता कौमुदी को और शब्द सारिका से जोड़ रहा है, अतः और शब्द योजक कहलाएगा। बच्चों, नीचे कुछ और वाक्य दिए गए हैं। नीचे के वाक्यों में कुछ योजक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनामिका, अनुभव और आवेश सहपाठी हैं। उसने कहा कि वह विद्यालय नहीं जाएगा। मैं राम के घर गया परंतु वह वहां नहीं था। बिस्कुट खाओगे या नमकीन? बच्चों, इन वाक्यों में जो रेड कलर से लिखे गए हैं शब्द और, की, परंतु, या, ये शब्द योजक शब्द हैं। ये जो हैं वाक्यों को, शब्दों को, वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं। इन वाक्यों में आए और, की, परंतु, व, या शब्द योजक हैं।
आपको बच्चों योजक शब्द समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।